टाइम आप ही उन्होंने दसिया नहीं सी अपने भरोसे तो कहिंदा सी चला मेरे नाल मेरी शादी नहीं हुई अगे आई उन्होंने मैं तस्वीरां दिखाईआं अपनी बेगम दी अपने बच्चे दी इधर लेके आ गया था ना इधर इधर मकान लिया था उसने उसने तुम्हें मकान लेके दिया था उसने बताया मेरी शादी नहीं हुई बाद में बताया था तो क्या क्यों नहीं मनी सी सी एक दिन कीता सी उन्हें एक दिन कीता सी ते मेरे नाल गलत काम कीता हुन मैनू कौन ब्याएगा मैं उनको बोलदा सी चपेड़ मारी सी उन्हें इत्थों पाड़िया मेरे तो नशे की वजह से इसको अपने आप ही होश नहीं है कि मैं किधर हूँ क्या हिसाब है क्या किताब है नशा करना शुरू हो गया सादी सिगरेट पास जाता था उनकी कुछ लगती थी उनके पास जाता था मुझे उसने ना वैसे ही मुझे कह रहा था मेरे साथ आज आंटी ने भेज दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ और दूर मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है। उस लड़की के पास जाते हैं कि वो कौन है, यहाँ पर रात के तकरीबन 2 बजे के करीब वो क्या कर रही है, उसे सारा मामला जानते हैं। नोशी कर रही है, नशा करती है या कोई और मामला है, उसके पास जाते हैं। लड़की है, लड़का है, ट्रांसजेंडर है, क्या है जानते हैं, उसके पास चलते हैं और बात करते हैं। मेरे साथ चलिए। क्या नाम है? लाइबा। लाइबा, उम्र क्या है? उम्र का नहीं पता। कोई नहीं पता। 14-15 साल। अम्मी अबू है? नहीं। कब फोत हुए? जब छोटी थी मामा पापा ने आंटी ने पाला था। कोई आंटी आई थी, सखी नहीं थी, वैसे मोहल्ले की आंटी थी, उनके पास पली। तो डेथ कैसे हुई मामा पापा की? मामा को अटैक हुआ था। अच्छा। पापा को दिल का मसला था। दोनों को अटैक हुआ था? हाँ। तो दोनों इकट्ठे फोत हुए या कुछ पहले? नहीं, पापा आए थे, पापा पीछे फोत हुए, मामा पहले फोत हुई थी। मामा पहले फोत हुई थी, पापा कितना अरसा पहले बाद में? पापा का ये नहीं पता, मैं पढ़ी होती तो बता देना। अच्छा, तो पढ़ती नहीं हो? नहीं। क्या मसला हुआ? फैसलाबाद से लाहौर आई हो? लड़के के पीछे। लड़के के पीछे? उसने शादी नहीं की? नहीं। क्या फ़ोन पे रबता हुआ? कैसे रबता? फ़ोन पे रबता हुआ था। नंबर कैसे मिला? नंबर नहीं, वैसे हमारे घर जाता था ना उधर। अच्छा। आंटी के पास जाता था, उनकी कुछ लगती थी, उनके पास जाता था मुझे उसने ना वैसे ही मुझे कह रहा था मेरे साथ आज आंटी ने भेज दिया था। आंटी ने भेजा या खुद आ गई चोरी छुपे? नहीं, आंटी ने कहा था इसके साथ उनका कुछ मतलब था। वैसे सही सी बताओ ना, मतलब उस लड़के के साथ तुम्हारा कोई मोहब्बत का था या उसने कहा कि चलिए जाओ? नहीं, उसने नहीं, आंटी ने अपने मगरों लाया। हाँ, लड़के के साथ ही आई थी। अच्छा, लड़के के साथ फिर तुम आ गई। हाँ। कितना अरसा आपस में तुम्हारा रिलेशन था? बता रही हूँ, जोन सा बाहर बताया है माँ। नहीं, ये तो वो तो कैमरे के बगैर बताया ना, कैमरे पे बताओ कि कितना अरसा? 3 माह। 3 माह ताल्लुक रहा है? हाँ जी। वो रोज आता था या कभी कभार आता था? रोज ही आता था। रोज आता था। आंटी मिलवाती थी उससे? नहीं, उधर नहीं, इधर लेके आ गया था ना। अच्छा। इधर इधर मकान लिया था उसने। उसने तुम्हें मकान लेके दिया था? उसने बताया मेरी शादी नहीं हुई, बाद में बताया था। तो क्या करता था, क्या आगे पीछे, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, क्या उसका कुछ पता था तुम्हें? एक बेटा है उसका। बच्चा भी है उसका? हाँ। तो अब आगे पता चला जब उसके पीछे फैसलाबाद से? हाँ। बहन भाई हैं तुम्हारे? नहीं, मैं अकेली। कोई आगे पीछे नहीं है? नहीं। कोई हमसाए की आंटी ने या किसने, कौन सी रिश्ते में आंटी थी या वैसे ही थी? वैसे ही थी। वैसे ही थी। उसने तुम्हें पाला, उसने अपने ये रिश्तेदार को तुम्हें कहा कि इसके साथ चले जाओ? अच्छा, 3 महीने उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक रहा, कैसा ताल्लुक? अच्छा था, काम नहीं काम करता था, ये रिक्शा चलाता था। अच्छा, रिक्शा चलाता था। तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक था? कोई गलत काम किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम नहीं किया तो तुम उसके भरोसे कैसे आ गए? नहीं, मैं उसने बताया मेरी शादी हुई, मैं आपके पास नहीं हूँ, और रिक्शा चलाने जाता था। वैसे मैंने आप ही के साथ क्वार्टर लिया था परली साइड में। अच्छा, अब कैसे? क्वार्टर भी है, किराया भी देती हो, कैसे? वो ही देता है। वही देता है जिसके पीछे आई हो? हाँ। मिलता है अभी भी? नहीं, थोड़ा बद दिया था, कट बद। कट बद? पंजाबी आंदी है? हाँ। तो पंजाबी च गल करो। ते ओथो फैसलाबाद तो आए किन्ना अरसा हो गया? आप ही उधर दस नहीं था नहीं। एक माँ उधर रहनी सी ना, फैसलाबाद सी आंटी का, उथे एक माँ इथे आए। बस एक माँ उथे होए, 2 माँ इथे हो गए, टोटल 3 माँ तुहाडा रिलेशन है। अच्छा, 3 माँ तो 2 महीने जो इतने आई हैं, फिर उन्हें आप दसिया कि मैं, मेरी शादी हुई है, मेरा बेटा है, या तेनों आप पता चलिया? उन्हें दसिया इतने आके?
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਏਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾੜਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਐਂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਣ ਰਹਿ ਲੈ ਰਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸਦਰ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦੇ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ ਜੰਨੀ ਸੀ ਆਪੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਜਿਸਮੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਲੜਕੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਯੇ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਕੋ ਭੇਜਾ ਉਸਨੇ ਇਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਤੇ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਹਿਕੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਤੇ ਹੈ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸੁਣਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਕਿਆ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਤੇ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਯੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਈਏਗਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯੇ ਆਤਿਬ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਤਾਈਏਗਾ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ 13-14 ਸਾਲ ਕੀ ਇਸਕੀ मैडम इसकी एज ना वाकई कम है तो ये ना कल हमने देखी थी स्टेशन के पास अच्छा। तो कल की रैकी इनकी कार रही थी तो लेकिन जिसके साथ थी वो एक बेसिकली जिस्म फरोश औरत थी तो हमने कल भी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो कल मिली नहीं है तो आज मिले हैं तो ये पता चला है कि इससे बात हुई तो इन्होंने बताया कि मैं जो है ना पीछे किसी के पीछे इधर आई हूँ लाहौर में कहाँ की है ये बेसिकली ये है फैसलाबाद की लेकिन लाहौर में आई है किसी के पीछे कह रही है 3 महीने हुए हैं मुझे आए देखो 3 महीने रिलेशन को असल में 3 महीने तो हुए हैं लेकिन असल में जिसके पीछे आई है लेकिन ये नशे में लग गई है अच्छा तो नशे की वजह से इसको अपने आगे भी होश नहीं है कि मैं किधर हूँ क्या हिसाब है क्या किताब है नशा करना शुरू हो गई सादी सिगरेट चर्स नहीं नहीं ये ना बेसिकली सादा सिगरेट पीती है क्या भी करती है नहीं मैंने कट कर दिया है करती तो हो ना कट किता है या नहीं किता है अब नहीं पीती उस अच्छा ये तो अल्लाह पाक इसको हिदायत दे हमारी तो ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी को सीधे रास्ते लेकर आने की तो हमारा एक मिशन है कि हमारा ये एक मिशन बन गया हुआ है कि इस तरह की कोशिश हमारी यही है कि इनको सीधे रास्ते पर लेकर आए जहाँ भी ये होगा जो भी नई लड़की होगी जो भी इस साइड पे आना जो पुरानी लड़की उनको तो हम जो मर्जी कर लें वो तो पीछे हट नहीं सकती जो नई लड़की है इनको हमारी कोशिश तो ये है कि जो पता हमें चलता है जो हमारे जो लड़के हमें बताते हैं जो हमारे सिस्टम है तो हम सिस्टम के मुताबिक उसको कोशिश करते हैं इनको पकड़ें आराम से इनसे बात करें उनकी पूछें क्या मजबूरी है लेकिन कोशिश तो हमारी पूरी होती है कि इनकी मजबूरी का हल भी निकालें
पहले तो ये मान ही नहीं कि उस लड़के ने मेरे साथ कोई बदफेली की है, बाद में इसने माना है कि हाँ एक बार की है, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती। चलो अल्लाह पाक, मान ही नहीं सकती कि कोई लड़का यहाँ लेके आया और इसके साथ कोई उसने इस गलत हरकत की। नहीं, जाहिर सी बात है किसी के साथ अकेले रहना तो मामला तो इस तरह के बनते ही हैं, लेकिन ये है कि इसको हदायत है। हमारी तो अभी भी दुआ यही है कि इसको, कोशिश तो हमारी यही है कि इनकी जो जो भी इनकी आपी है वो इन्हें सहारा दे रही है, लेकिन वो है तो ठीक है जिस तरह की भी है, लेकिन वो कह उनका भी ये कहना है कि मैंने आज तक इनको किसी गलत काम में नहीं रखा, साया नहीं है। हाँ, कि इनसे मोहब्बत की, प्यार किया, तो अल्लाह पाक इनको हदायत दे दोनों को। जी नाज़रीन, सारी कहानी आपने मुलाहिज़ा किया कि ये कौन है, बच्ची हैं। अक्सर इस तरह की जो लड़कियां हैं वो मोहब्बत में गिरफ्तार होती हैं, लेकिन अंजाम उनका क्या होता है ये जाने। आपने देखा है कि इस लड़की को या तो वो पे मुब्तला कर देती हैं या नशे का एडिक्ट कर देते हैं। इसको एडिक्शंस तो हो गई हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बचाए, आने वाले वक्त में एक इसका अच्छा हिसाब किताब करे, इसको समझ आ जाए, इसको हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।